हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे टाइम पीरियड निकालना। SHM में ऑक्सीलेशन वाले चैप्टर में टाइम पीरियड निकालने के बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपल पेंडुलम के ही क्वेश्चन आज हम लोग डील करेंगे। बाद में स्प्रिंग मास सिस्टम है, अलग अलग टाइप के टाइम पीरियड निकालने के क्वेश्चन हैं, लेकिन आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सिर्फ सिंपल पेंडुलम वाला रिलेटेड। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर हमने कोई भी ऐसा सिंपल पेंडुलम ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले एनी पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो अब एनी पोजीशन पे लेके चले गए, यहां पर ये आपका SHM परफॉर्म करेगा, ऑक्सीलेट होते रहेगा। बेटा इसके ऊपर सबसे पहले बता दो कि कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है। यहां पर एक मेन फोर्स है, वो है वेट ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी है, इस बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। वेट ऑफ द बॉडी क्या रहता है बेटा, mg। m क्या रहता है, मास। g क्या रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बॉडी का वेट mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। अब ये एंगल मान लेते थीटा, यानी हमने पेंडुलम को थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया। ये x हुआ उसका डिस्टेंस जो यहां से यहां तक मूव हुआ वो, और आपके पेंडुलम की लेंथ मान लो l, सिंपल पेंडुलम की। अब बॉडी का वेट mg जो है, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, यानी इसके दो टुकड़े बना दो। एक कंपोनेंट इसका ऐसा बनेगा और दूसरा कंपोनेंट इसका ऐसा बनेगा। बेटा अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा ही बनेगा। क्लियर यहां तक? अब ये mg के जो दो कंपोनेंट बनाते हो, एक रहता आपका cos थीटा, दूसरा रहता आपका sin थीटा। ये वाला cos रहेगा या sin रहेगा वो कैसे डिसाइड करोगे? तो जो थीटा को लग के रहता वो हमेशा कॉस, बिकॉज कॉस रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड। तो ये रहेगा अपना mg कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट। और दूसरा कंपोनेंट क्या रहेगा बेटा, अपना mg साइन थीटा। तो ये बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हुआ था, इसके दो कंपोनेंट बना, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा। जो थीटा को लग के है वो कॉस, दूसरा वाला जो है वो साइन। अब SHM में मेन चीज रहती है रिस्टोरिंग फोर्स पहचानना। रिस्टोरिंग फोर्स यानी क्या, जो उसको वापस लेके आ रहा टुवर्ड द मेन पोजीशन। अगर ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर मैं इसको इस तरफ खींचूंगा तो ये अप्लाइड फोर्स कहलाएगा, और छोड़ दूंगा तो ये वापस आएगा ऐसा। तो वापस लाने वाला फोर्स यानी रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये पेंडुलम को मैंने यहां लेके गया था, जब छोड़ा तो उसको वापस लाने वाला फोर्स यहां पे आपको कौन सा दिख रहा है, तो वो दिख रहा है mg sin थीटा, क्योंकि mg sin थीटा इस तरफ एक्ट होगा जो उसे वापस लेके आएगा। तो यहां हमने जज कर लिया रिस्टोरिंग फोर्स, और वो रिस्टोरिंग फोर्स हमें मिला mg sin थीटा। क्लियर बेटा? अब अगर स्मॉल एंगल रहा, SHM स्मॉल एंगल के लिए ही अप्लीकेबल है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू माइनस kx, यानी ये फोर्स का फॉर्मूला माइनस के एक्स, या एक्सलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये तभी अप्लीकेबल है जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, लार्ज डिस्प्लेसमेंट में ये अप्लीकेबल नहीं होता। तो बेटा फॉर द स्मॉल एंगल साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। फॉर स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू थीटा को ही मैच करती है जब एंगल आपका स्मॉल रहता। तो देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू ये हो जाएगा mg इनटू थीटा। अब बेटा यहां से थीटा आप ले सकते हो x डिवाइडेड बाय l। अगर हमने ऐसे कोई भी आर्क बताया, ये x, ये है l, ये है थीटा, तो यहां से थीटा इक्वल टू आ जाएगा x डिवाइडेड बाय l। तो आप देयरफॉर f इक्वल टू ये हो गया mg, और थीटा की जगह पर लिख दो x डिवाइडेड बाय l, यानी आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब बेटा ये रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू ये हो गया mg बाय l, और ये हो गया मेरा x। अब हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, kx, यानी रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग k इंटू x लिख सकते हैं। तो यहां पे k की वैल्यू क्या मिली, तो k की वैल्यू ये मिल गई mg बाय l, तो k मिला मुझे mg डिवाइडेड बाय l। क्लियर बेटा? अब मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k
फॉर एनी SHM, अब आप K की वैल्यू यहां पे रख दो, अब ये वैल्यू यहां पे पुट अप करेंगे तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय K की जगह पर mg बाय l, अपना mm गेट कैंसल तो टाइम पीरियड इक्वल टू मिला 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g, ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हुआ। इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते थे बेटा, इसको आप और अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे यहां तक की स्टेप्स हमारे आ चुकी थी, तो ये फोर्स इक्वल टू, अब ये एम जी बाय एल इंटू एक्स है हमारा, अब आप इसको फोर्स की जगह लिख दो मास इंटू एक्सलरेशन, तो एम एम गेट कैंसल, एक्सलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, जी बाय एल इंटू एक्स, ऐसा आ जाएगा। इसको आप ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर देना, क्योंकि SHM में एक्सलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, और अभी आपका इक्वेशन आ चुका है ऐसा, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, जी बाय एल, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है जी बाय एल, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, तो यहां से टाइम पीरियड निकलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया।